बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कभी डिस्प्ले देता है कभी नहीं देता, और इसे हम रिजोल्व करेंगे। बेसिकली इसमें जिस शॉपकीपर के पास आया उन्होंने इसे, मतलब वो सिर्फ सील करते हैं लैपटॉप को, इसकी रैम वगैरह भी चेंज करके देखी है, इसकी LVDS भी चेंज करके देखे, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। और डिस्प्ले नीचे से मशीन तो देती है लेकिन ऊपर LCD की तरफ डिस्प्ले नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने LVDS केबल भी चेंज करके देखे, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो रिजोल्व नहीं हुई। तो बाज़ अवकात ये LCD पे भी डिस्प्ले दे देता है। चलिए मैं एक मरतबा ट्राई करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये डिस्प्ले देता है कि नहीं देता। आपकी बात बटन प्रेस करता हूँ। इसका मॉडल मेरे ख्याल डेल E6430 मॉडल है इसका। मशीन जो है वो ऑन हो गई है, लेकिन अभी तक इसमें हाँ डिस्प्ले आ गया, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर जो हार्ट की लाइट है वो ग्लो कर रही है, तो ब्लिंकिंग करेगी जैसे जैसे जो है ना वो ये स्टार्ट होगा, तो इसलिए इसका जो डिस्प्ले है वो आ रहा है। देखें इसने ब्लिंक किया है, हम देखें अभी भी ठीक है। तो मे भी आपको यहाँ पे वो लाइट ना दिखे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो लाइट नज़र आ जाए। हार्ड ड्राइव की लाइट जो है वो ग्लो कर रही है, देखें हार्ड ड्राइव की अगर लाइट जो है वो ग्लो करती है, ब्लिंकिंग करती है, उसका मतलब ये होता है कि हार्ड ड्राइव जो है वो काम करती है। और हार्ड ड्राइव सिर्फ उसी वक्त काम करेगी जब इसमें से जो डाटा है वो रीड होगा या राइट होगा। तो रीड और राइट उस वक्त होगा जब आपका मदरबोर्ड डिस्प्ले देगा, फंक्शन करेगा। तो अभी ये मदरबोर्ड की विंडो लोड हो रही थी तो उसमें इसने जो है ना वो फ्लक्चुएशन किया है HDD की लाइट ने, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो स्क्रीन की तरफ जाता है। लेकिन इसमें हाँ रैम की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रैम की प्रॉब्लम हो तो डिस्प्ले आई ना, तो LVDs उन्होंने वैसे भी चेंज करके देखी है। तो चलिए आइए इसे थोड़ा सा DSML करते हैं, एक मतलब मदरबोर्ड में निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मदरबोर्ड निकालने के लिए डेली 6420 6520 6430 इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं, तो उनमें सभी जो मदरबोर्ड को DSML करने का मेथड है वो तकरीबन सेम ही है, लिटिल बिट डिफरेंस भी होगा। बैटरी निकालें सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्क्रू हैं 1 2 3, और कीबोर्ड के दो हैं ये निकालेंगे। हार्ड ड्राइव को नहीं लगा हुआ तो इसलिए इसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, निकालेंगे नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे टेढ़ा मेढ़ा सा मिला हुआ है, खोला गया था पहले लैपटॉप को, ठीक से लगाया ही नहीं है। चलें खैर, और इसके बाद ये दरमियान वाला, और ये भी ठीक से मिला नहीं है ऊपर ही अभी। तो इसको मैं कवर को अभी हटा लेता हूँ कि आराम से पुल करें, और ये कवर आपका हट गया, कवर हट गया है। और इसके बाद यहाँ से RTC बैटरी को भी निकाला हुआ है। वो RTC बैटरी जब निकली होगी तो आपका लैपटॉप 2 से 3 मरतबा ऑन होकर ऑफ होगा, उसके बाद ही डिस्प्ले देगा। ये प्रॉब्लम डेल के लैपटॉप में आती है जब आपकी RTC बैटरी प्रेजेंट नहीं होगी। तो चलें मैं इसके कीबोर्ड के स्क्रू जो है वो निकाल लेता हूँ, और सारे मदरबोर्ड को एक मरतबा DSML करते हैं। ये दो जो बटन है और सॉरी स्क्रू हैं, ये कीबोर्ड है, अगर आपने इनका कीबोर्ड रिप्लेस करना है तो आपको जस्ट ये दो ही रिमूव करने हैं, ऊपर से कवर हटाने की भी ज़रूरत है नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका जो कीबोर्ड निकाल लेता हूँ। कीबोर्ड निकालने के लिए 1 2 3 4 4 जो हैं वो स्क्रू मुझे मज़ीद रिमूव करने पड़ेंगे। आराम से पुल कीजिए और ये कीबोर्ड निकलेगा, नहीं निकलेगा साइडों पे आपको छोटे छोटे लॉक हैं इन्हें रिमूव कीजिए और ये कीबोर्ड निकल गया। अब लगाना भी आपने सेम मेथड से है, कीबोर्ड लाइटिंग वाला है, ओरिजिनल है। चलें जी, इसके बाद अगर मुझे इसमें से कुछ भी अब रिमूव करना है तो मुझे सबसे पहले जो पीछे वाले इसके सारे स्क्रू हैं वो निकालना पड़ेंगे। तो सबसे पहले अब उन्हें ही निकाल लेते हैं। DVD ROM को निकालने के लिए ये जो छोटा सा बटन है इन्हें प्रेस कीजिए। यहाँ पे बाजू का तो वो ऊपर लगा होता है एक स्क्रू, वो निकाल लीजिए अगर लगा हुआ, तो उसके बाद ये निकलेगा। तो पुल कीजिए निकल आएगा। उसके बाद जो जनरल चीज़ें हैं मैं वो निकाल लेता हूँ। इसका वाईफाई कार्ड निकालते हैं, क्योंकि इसका वाईफाई कार्ड निकालने बगैर ये मदरबोर्ड इससे रिमूव होगा नहीं।
हार्ड ड्राइव भी निकल आएगी। और इसके अलावा मैं यहाँ पे जो स्पीकर्स लगे हुए हैं इनका जो जैक है वो मैं अभी से रिमूव कर लेता हूँ। जैक जो है वो ध्यान से निकालें, बाजू का ये केबलें निकल आती हैं, जैक अंदर ही रह जाता है तो फिर वो बाद में बड़ी परेशानी बनती है। चलें, और यहाँ से मैं वन बाय वन करके जो स्क्रू हैं वो सारे रिमूव करूँगा। अगर आपको इसके फ़ैन की सर्विस करनी है, लैपटॉप आपका हीट कर रहा है, तो उसकी सर्विस करने के लिए जस्ट आपने ये हीट सिंक के पेज जो हैं स्क्रू हैं ये रिमूव करने हैं। लेकिन जो उसके स्क्रू हैं इन्हें अलग से रखिए, क्योंकि गुम जाएँ तो ये मिलते बड़ी मुश्किल से हैं। बाकी तो आप ऑल ओवर मतलब अरेंज कर लेंगे, लेकिन ये थोड़े से हार्डली मिलते हैं ये वाले जो स्क्रू हैं। और यहाँ से मैं फैन की केबल निकाल लूँगा और ये हमारा हीट सिंक जो है ये निकल आया। अभी आपको अगर हीट सिंक की सर्विस करनी है यहाँ से फ़ैन की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं अभी वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इसके स्क्रू रिमूव करेंगे, खैर स्क्रू रिमूव करेंगे, ये ऊपर वाली फिटिंग जो है वो अलहदा हो जाएगी और आप अंदर से इसकी जो है ना वो सर्विस कर सकते हैं। और इसके बाद आपने यहाँ पे मज़ीद क्या करना है, और हम कुछ स्क्रू देख लेते हैं, अगर यहाँ पे और कोई लगा हुआ है तो वो निकाल लेते हैं। एक ये मुझे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, चलें जी यहाँ पे आलमोस्ट जितने भी स्क्रू हैं वो सारे डन हो गए हैं। शायद अभी ये एलवीडी स्केबल है इसे हम निकाल लेते हैं अभी। ये निकल गई है, डीसी जैक को उतार लेते हैं। और यहाँ से इन वायर्स को भी निकाल लेते हैं, ताकि जब हम मदरबोर्ड को उठाएं या स्क्रीन को निकालने लगें तो हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। चलें, खैर वो बाकी बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे एक स्क्रू अभी रहता है, अब इस तरह वाले जो स्क्रू हैं वो निकालेंगे। यहाँ पे एक दो ही शायद होंगे, ये की है। अभी इनके जो जैक हैं वो निकाल लें। यहाँ पे इन कंट्रोलर है वॉल्यूम कंट्रोलर का, इससे ये शायद टच पैड को जाएगा। और यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है चार्जिंग का, वाईफाई का और हार्ड डिस्क की वर्किंग का, ये वो है। चलो खैर मैं इसे अभी, अब इस कवर को हम सी पैनल बोलते हैं जो टच पैड का है, इसे निकालने के लिए ये ओपनर का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा उठा लें, अगर आप ओपनर के बगैर खोलेंगे तो ये आपसे लॉक जो है वो टूट जाएंगे। इसके नीचे छोटी सी वायर लगी हुई है इस जगह पे, तो वो ब्लूटूथ की है, वो मैं निकाल लेता हूँ। तो ये देखें, ये थी इस जगह पे लगी हुई। हाउ ये तो मदरबोर्ड तो निकल आया है, लेकिन यहाँ पे, अरे भाई यहाँ पे तो गड़बड़ी है। ठीक है, तो अभी आप देखें
यहाँ पे एक कंपोनेंट जला हुआ है जिसका नंबर जो है वो QV5 है और एक साथ में कैपेसिटर जो है वो ख़राब है। मदरबोर्ड तो ऑलमोस्ट ये जो है वो नया ही है, तो चले निकालते हैं। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये बन गई है कि असल में ये हमारे पास कोई पार्ट्स अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी घर की वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ और ये सारा काम हमें मिलने वाला है हमारे वहाँ पे ऑफिस पे। चलें खैर, इसका मदरबोर्ड तो एक मरतबा रिमूव करते हैं और फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका सोल्यूशन करके भी बताऊँगा कि इसका क्या है। इसमें बेसिकली दो से तीन जो है दो सोल्यूशन है इसके मेरे पास। नंबर वन, तो मैं इसे प्रॉपरली डायग्नोज करके जो बर्निंग पॉइंट है यहाँ पे जो कंपोनेंट ख़राब है वो लगा दूँ, और क्योंकि ये ग्राफिक्स से रिलेटेड है मुझे ऐसे लग रहा है, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि मैं इसका जो ग्राफिक की चिप है उसे बाईपास कर दूँ। चलो मैं एक मतलब मदरबोर्ड निकालता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। और यहाँ पे छोटा सा जैक कैसे होता उठाइए और इस तरफ से आपका कार्ड रीडर है वो निकाल लें और आहिस्ता से मदरबोर्ड को उठा लें और ये निकाल लें जी। ये मदरबोर्ड जो है वो निकल आया। इस मॉडल की मैंने पहले भी एक दो तीन वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, वो इसमें बेसिकली मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है जैसे कि अभी इसमें निकल आई है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा था, मुझे ये था कि शायद इसके ग्राफिक में प्रॉब्लम है, तो हम ग्राफिक को रिसोल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो रिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की जो नॉर्मल प्रॉब्लम आते हैं वो ग्राफिक से रिलेटेड ही हैं। लेकिन ये मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही देखा है कि ग्राफिक के सेक्शन में कोई कंपोनेंट जो है वो बर्न हो गया है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे QV5 नाम का एक लोकेशन नंबर QV5 है, वो कंपोनेंट जो 6 लगा है वो बर्न है। खैर अभी तो हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन इन केस के आपके लैपटॉप में भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है कि आपने इस ग्राफिक को हीट देनी है। इस ग्राफिक को हीट कैसे देनी है, इसके लिए आप एक अच्छी पेस्ट का इस्तेमाल करें। पेस्ट के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये सस्ती भी है और अच्छी भी है। कीमत के लिहाज से इसकी जो है ना वो अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर हम जाएँ तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो इस पेस्ट को हम इस चिप में ऐसे डालेंगे यहाँ पे, और छोटी हीट गन से, या मेरे पास ये एक बड़ी हीट गन पड़ी हुई है, तो इसके ज़रिए हम इसे रिसोल्ड करेंगे ऐसे ऐसे चला के। जब तक इसमें से बबल नहीं निकल आती उस वक्त तक हम रिसोल्ड करेंगे, और जब से बबल निकल आएंगे हम इसके रिसोल्ड करना छोड़ देंगे और ये बोर्ड जो है हमारा ठंडा करने के बाद चेक करेंगे अमूमन ओके हो जाएगा। और आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जो हीट गन है उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें। देखें जी, ये वो कंपोनेंट था जो बर्न हुआ था, तो अभी हम वर्कशॉप पे आए हैं, इस कंपोनेंट को लगा दिया, और लगाने के बाद मैं आपको इसका डिस्प्ले चेक करवाता हूँ। पावर जो है प्लग करेंगे, और इसमें RTC बैटरी नहीं है, लैपटॉप ऑन हो गया तो ऑन होकर एक मरतबा ऑफ होगा, ऑन हो गया और ये इसका डिस्प्ले भी आ गया। ठीक है, तो इस मदरबोर्ड में ये प्रॉब्लम थी बस ओनली, और इसे हमने दोबारा इंस्टॉल किया है तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है। और ये देखें, यहाँ से ये बर्न हुआ हुआ, तो मैं अभी टच करता हूँ, कहीं हीट तो नहीं कर रहा, नहीं नॉर्मल है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।